हेलो गाइस, दिस इज कुशाग द वेलकम टू कुशाग सेंटर फॉर एक्सलेंस। सो गाइस, आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले क्लास 9 इकोनॉमिक एंड जीआरडी का चैप्टर 3 पॉवर्टी एज ए चैलेंज। सो आज क्या हम पढ़ने वाले हैं, पॉवर्टी एज ए चैलेंज। सो हमने सेकंड चैप्टर में क्या डिस्कस करा था, पीपल एज ए रिसोर्स। हमने पीपल एज ए रिसोर्स यानी कि पीपल कैसे एक रिसोर्स हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करा था। अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस करा था। और क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में कैसे एजुकेशन और हेल्थ के बारे में हमने डिस्कस करा था। और जो हमने पूरे चैप्टर में ज़्यादातर क्या एजुकेशन और हेल्थ के बारे में ही डिस्कस करा था। हमने स्टोरी करी थी विलास और शालाक की, तो उसमें भी ज़्यादातर एजुकेशन के बारे में था। सो ज़्यादातर क्या एजुकेशन और हेल्थ के बारे में वो चैप्टर था, पीपल एज ए रिसोर्स। सो इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉवर्टी एज ए चैलेंज, यानी कि पॉवर्टी मीन्स क्या होता है। पॉवर्टी का मीन्स होता है गरीबी, चैलेंज यानी कि गरीबी एक चैलेंज है, राइट। अब जैसे कि आपको पता होगा कि अपने इंडिया में ही सबसे ज़्यादा पॉवर्टी है, अपने इंडिया में ही सबसे ज़्यादा पॉवर्टी है, सबसे ज़्यादा गरीब लोग अपने इंडिया में है, ठीक है, राइट। अब गरीब लोग जैसे मान लिया कि जिनके पास पहनने के लिए क्लोथ नहीं होते हैं, पहला तो ये हो गया। फिर सेकंड क्या है, जिनके पास रहने के लिए हाउस नहीं होता है। अब थर्ड क्या हो गया, फर्स्ट तो हो गया क्लोथ, फिर सेकंड हाउस, फिर थर्ड क्या हो गया, जिनके पास रहने के लिए हाउस नहीं होता है, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं, और जिनके पास घर नहीं होता है वो सड़क पे रहते हैं, ऐसे ये सब क्या होते हैं, इसे ही पॉवर्टी कहते हैं, राइट। अब आप पहचानेंगे कैसे कि कौन गरीब है, कौन गरीब है, ठीक है। तो एक होती है पॉवर्टी लाइन, जो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है, पॉवर्टी लाइन, राइट। पॉवर्टी लाइन क्या होती है, ये पॉवर्टी लाइन है। अब आपको तो पता है कि आप कहेंगे ये तो सिंपल सी लाइन है, पॉवर्टी लाइन क्यों कहा गया है ऐसे, क्योंकि जो इस पॉवर्टी लाइन से नीचे होता है वो होता है पॉवर्टी गरीब, और जो इस लाइन से ऊपर होता है वो गरीब नहीं होता है, ठीक है। जो इस लाइन से नीचे होता है वो क्या होता है, पॉवर्टी, और जो इस लाइन से ऊपर होता है वो पॉवर्टी नहीं होता है, नो पॉवर्टी, ठीक है, पॉवर्टी नहीं होता है, राइट। और अब ये तो हो गया पॉवर्टी लाइन, पता कर लिया हमने कैसे। अब जो इस पॉवर्टी लाइन बनाई है गवर्नमेंट ने, अब जैसे कि मैंने बताया था आपको एजुकेशन और हेल्थ के लिए सेकंड चैप्टर में, एजुकेशन और हेल्थ के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें की है, अब ऐसे ही पॉवर्टी के लिए भी बहुत सारी चीज़ें की है। जैसे ये बनाई है, अब ये लाइन बनाई है पॉवर्टी लाइन, जिससे पता चल रहा है कौन गरीब है कौन नहीं। और हमारे इंडिया में पहले बहुत पॉवर्टी थी, पर अब इतनी पॉवर्टी नहीं है। सो अब देखिए कि जो ये जो हमारी पॉवर्टी होती है, इसके दो केस होते हैं, टू टाइप के केस होते हैं इसके दो, एक होता है अर्बन केस, एक होता है रूरल केस। रूरल केस, अर्बन केस क्या होता है और रूरल केस क्या होता है। अब अर्बन केस यानी कि जो जिसमें महंगाई होती है, और रूरल केस जिसमें महंगाई नहीं होती है, यानी कि जिसमें ज़्यादा पैसा लगता है वो होता है अर्बन केस, और जिसमें कम पैसा लगता है वो होता है रूरल केस। अब ये पॉवर्टी लाइन भी अर्बन केस और रूरल केस में होती है। अब ये मान लिया कि रूरल केस हो गया, ये हो गया हमारा अर्बन केस, ये हो गया हमारा अर्बन केस, ठीक है। अब जो ये, अब आपको पता है ना जो ऊपर होता है और जो नीचे होता है, अब आप कहेंगे कि ये तो सेम ही है, क्योंकि अब इसमें अंतर क्या है दोनों में, पॉवर्टी लाइन में, इन दोनों की पॉवर्टी लाइन में डिफरेंस क्या है। अब ये क्या है यहाँ पे 1000, अब यहाँ पे 850। अब यानी कि जिसमें ये जो 1000 से ज्यादा, 1000 से क्या ज्यादा कमाता है, सो उसो वो होता है, वो तो क्या होता है, वो
ऊपर इस पॉवर्टी लाइन के ऊपर चला जाता है, जो इससे इससे कम कमाता है वो इस पॉवर्टी लाइन से नीचे जाता है, ठीक है। अब जो 850 से रूरल केस, जैसे कि मैंने आपको बताया था रूरल केस क्या होता है, सस्ता और ये महंगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 1000 और यहाँ पे 850। अब इसके इससे जो कम कमाता है क्या, वो क्या हो गया, वो यहाँ पे वहां पे पॉवर्ट कहलाएगा और जो इससे ऊपर होगा वो नॉन पॉवर्ट कहलाएगा, राइट। अब ये क्लियर हो गया दोनों का। अब जैसे हम बात करें यूएसए की, यूएसए में कैसे माना जाता है, उसमें यूएसए में पॉवर्टी लाइन नहीं होती। फिर ये पॉवर्टी लाइन क्या है, ये जो पॉवर्टी लाइन है वो किसकी है, सिर्फ हमारे इंडिया में है, इंडिया में है, राइट। अब जो यूएसए की बात करें, राइट, हम यूएसए 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 की बात करेंगे हम, तो यूएसए में जब जिसके पास कार होती है, कार होती है जिसके पास कार होती है, सो वो क्या है, वो तो गरीब नहीं है। और जिसके पास कार नहीं होती, कार नहीं होती, कार नहीं होती, वो वहां गरीब कहलाता है। यानी कि यूएसए में कार होनी चाहिए, क्या, यूएसए में कार होनी चाहिए, और अगर जिसके पास कार नहीं है वो गरीब कहलाता है, राइट। अब हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया में तो एक ये पॉवर्टी लाइन है, राइट, ये हो गया क्लियर। अब इसके बाद, अब ये तो हमारा फर्स्ट टॉपिक था पॉवर्टी लाइन। अब इसके बाद आता है हमारा पॉवर्टी एस्टिमेट्स। पॉवर्टी एस्टिमेट्स क्या होते हैं, पॉवर्टी एस्टिमेट्स क्या होते हैं, चलिए देखते हैं हम पॉवर्टी एस्टिमेट्स, पॉवर्टी एस्टिमेट्स क्या होते हैं, चलिए पहले तो हम देख लेते हैं पॉवर्टी एस्टिमेट्स क्या होते हैं, राइट, चलिए देखते हैं पॉवर्टी एस्टिमेट्स। तो क्या होते हैं ये पॉवर्टी एस्टिमेट, पॉवर्टी एस्टिमेट होते हैं, अब पॉवर्टी में परसेंट की बात करें तो हम यहाँ पे पॉवर्टी में हम किसकी बात करें, परसेंट की, पहले तो हम यहाँ परसेंट देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले परसेंट, ठीक है, हम यहाँ पे परसेंट देखते हैं। चलिए तो पहले यहाँ पे क्या बात करते हैं, यहाँ पे ऐसे लाइन बना लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ये क्या है, ये तो इयर्स हो गए हमारे, इयर्स 1973 से, हाँ सही से लिखते हैं 1973 से टू 1973 से 74 तक, राइट। अब 1993 से 1994 तक, 1993 से 1994 तक, ठीक है, ये हो गया। अब 1999 से 2000 तक, ठीक है, राइट, ये हो गया, कहाँ तक, 2000 तक, राइट, ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम 2004 से 5 तक और 2009 से हम 10 तक, ये हो गया। अब इसमें रूरल, रूरल यहाँ पे रूरल, रूरल अर्बन कंबाइंड और ये ईयर्स, राइट, ये हो गया। अब रूरल में देखते हैं कितनी परसेंट है पॉवर्टी, पॉवर्टी पॉवर्टी रेशियो की परसेंट कितनी है, तो यहाँ पे कितनी है 56.4, ठीक है, और यहाँ पे कितनी है 37.3 और कितनी है यहाँ 27.1 और कितनी है यहाँ पे 28.3 और यहाँ पे 34, राइट। अब अर्बन केस की बात करें तो फिर कितनी है 49 थी, फिर कितनी हुई 32.4, फिर कितनी हुई 23.6, फिर 25.7, फिर कितनी हो गई 27, राइट, ये हो गई। अब कंबाइंड, कंबाइंड की बात करें तो यहाँ 55 है, कितने 55 और 36 यहाँ पे, फिर यहाँ 26, यहाँ 27 या 30, राइट। अब ये है ईयर, ईयर में यहाँ पे रूरल, रूरल में कितने परसेंट थी 56 पॉइंट
ठीक है, अब 49 में लिखते हैं, चलिए 49 कितने थे, अर्बन में परसेंट हो 49। अब 1993 टू 1994 में अर्बन में कितनी 32.4%, फिर कितनी हो गई यहाँ पे 23.6%, फिर कितनी हो गई 25.7%, फिर 27%, कंबाइंड में कितनी थी यहाँ पे 55%, यहाँ पे 36%, या 26%, या 27%, या 30%, राइट, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम, ये तो हो गया हमारा पॉवर्टी एस्टिमेट। पॉवर्टी ऐसे एस्टिमेट होती है, ठीक है, राइट, एक तो होती है ये पॉवर्टी रेशियो में, और एक मिलियंस में भी होती है। मिलियंस में हम अभी आगे भी पढ़ेंगे मिलियंस में कैसे होती है, राइट। अब ये हो गया, इसके बाद आता है वैल्यूनरेबल ग्रुप। वैल्यूनरेबल ग्रुप क्या होता है, चलिए देखते हैं यहाँ पे वैल्यूनरेबल ग्रुप का भी एक चार्ट है। चलिए, सो वैल्यूनरेबल के ग्रुप का एक चार्ट है, तो उसे देखते हैं क्या है। सो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, यहाँ पे ये एक चार्ट बना लेते हैं, तो देखिए राइट, ये हो गया। अब यहाँ पे ये 60 सही से बना लेते हैं, राइट, यहाँ पे है 60 लिखा हुआ, यहाँ 50, 40, 30, 20, 10, 0, राइट, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ये क्या है, ये वैल्यूनरेबल ग्रुप है 2000 का इंडिया में कितना पॉवर्टी का वैल्यूनरेबल ग्रुप था, ये बता रहे हैं। सो पहले कितना था, सो ट्रिप इन रूरल इंडिया में कितना था, रूरल इंडिया में सेकुडल ट्रिप कितनी थी रूरल इंडिया में, तो पहले कितना था यहाँ पे सेकुडल ट्रिप, सो पहले यहाँ देख लेते हैं, ये बना लेते हैं यहाँ पे ये 30, यहाँ पे 20 का ये 10, राइट। अब यहाँ पे कितना था सेकुडल ट्रिप इन रूरल इंडिया में, कितना था रूरल इंडिया में, ये इतना 40 से ऊपर था, यानी कि यहाँ 47 या 48 के आसपास, राइट, ठीक है, ये था। अब 48 या 49 के पास था, यानी कि नहीं, ये था 47.4%, इतना था। अब फिर देखिए यहाँ सेकुडल कास्ट क्या है, आप कितनी है सेकुडल कास्ट, यहाँ पे है 42.3, राइट, ये हो गया। अब एवरेज इंडिया पॉवर्टी रेशियो, एवरेज क्या है इंडिया का पॉवर्टी रेशियो का, एवरेज क्या है, सो कितना है ये 30%, कितना 30%, राइट। अब एग्रीकल्चर लेबर कितने हैं, सो एग्रीकल्चर लेबर है 50% यहाँ पे, कितने 50%। और कॉजल लेबर किसते हैं, कॉजल लेबर है यहाँ पे हमारे 47%, राइट, ये हो गया 47%। अब ये क्या था, ये वैल्यूनेबल ग्रुप था किसका, इंडिया का, ठीक, ये कब का था वैल्यूनेबल ग्रुप, ये था 2000 का हमारा, सो ये हो गया। अब सेकुडेबल ट्रिप कितनी थी रूरल इंडिया में, सो 47.4%, और सेकुडल कास्टेस कितनी थी 42.3%, है ना। फिर यहाँ पे ये 50%, यहाँ पे 50% एग्रीकल्चर लेबर, कॉजल लेबर कितने थे यहाँ 47%, राइट, ये हो गया। सो ये वैल्यूनेबल ग्रुप भी हो गया हमारा। अब आता है इंटरस्टेट डिस्पार्टीज क्या है यहाँ पे, सो ये यानी कि जिसमें हमारे जो स्टेट है इंडिया के, उसमें ये पॉवर्टी कम किन किन स्टेट में हुई है, चलिए देखते हैं। अब सो एक तो ये पंजाब एंड हरियाणा केरला वेस्ट बंगाल आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, इनमें हुई है। अब जो हमारा पंजाब और गुजरात है, पंजाब
एंड गुजरात जो है, पंजाब एंड हरियाणा, सॉरी हरियाणा, हरियाणा जो है उसमें कैसे हुई है? ग्रीन रेवोल्यूशन से। किससे? ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पे ज्यादा हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन, ल्यूशन से, ग्रीन रेवोल्यूशन से यहाँ पे हुई थी। ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पे पंजाब और हरियाणा में ज्यादा चला था ग्रीन रेवोल्यूशन, इसलिए यहाँ पे पॉवर्टी कम हो गई। ग्रीन रेवोल्यूशन ज्यादा करा था उन्होंने, कम लैंड में ग्रीन रेवोल्यूशन, कम लैंड में ज्यादा क्रॉप प्रोवाइड थी उन्होंने। सो ये ग्रीन रेवोल्यूशन होता है, ज्यादा करा था पंजाब और हरियाणा में। सो ये हो गया, इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन से यहाँ की पॉवर्टी कम हुई। अब केरला, 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 केरला में कितने हैं? केरला में ठीक है, केरला में कितने हैं? अब केरला में देखते हैं कितने हैं, मतलब कि कैसे पॉवर्टी कम हुई, है ना, केरला में कैसे पॉवर्टी कम हुई। सो यहाँ पे पॉवर्टी कम हुई थी केरला में, यहाँ पे पॉवर्टी कम ऐसे हुई थी, ये देखें यहाँ पे, जो ये पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा तो आपको समझ में गया राइट। अब जो यहाँ पे हुई थी वो केरला में किस, हाँ केरला में कैसे हुई थी? ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ था, ह्यूमन रिसोर्सेज का यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ था, रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ था, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हुआ था ज्यादा। सो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज ज्यादा, ह्यूमन रिसोर्सेज ज्यादा अपनाए गए थे, ह्यूमन रिसोर्सेज का ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था, इसलिए यहाँ की पॉवर्टी कम हो गई। जैसे कि मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था, यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज उन्होंने जापान में ज्यादा हुए थे, इसलिए वो रिच हो गया था। अब वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में कैसे हुए थे? वेस्ट बंगाल में कैसे हुए थे? अब यहाँ वेस्ट बंगाल में कैसे हुए थे, ये तो हमने अभी केरला, पंजाब एंड हरियाणा की बात करी, अब यहाँ वेस्ट बंगाल में कैसे हुए थे? वेस्ट बंगाल में यहाँ कैसे हुए थे? यहाँ हुए थे लैंड रिफॉर्म करने से। कैसे? लैंड रिफॉर्म करने से। यहाँ पे क्या कर दिया था वेस्ट बंगाल में? लैंड, लैंड जो था वो उसे रिफॉर्म कर दिया गया था। सो यहाँ पे ऐसे पॉवर्टी कम हो गई। फिर वेस्ट बंगाल के बाद आता है हमारा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश देश एंड आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, तमिलनाडु ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कैसे कम हुई थी? आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। सो देखिए कैसे हुई थी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। यहाँ पे क्या हुआ था, जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट जो थी, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो थी यहाँ पे, यहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसने क्या करे, फूड ग्रेन जो थे, फूड ग्रेन, फूड ग्रेन, फूड ग्रेन क्या थे वहाँ पे, फूड ग्रेन जो थे, फूड ग्रेन का देना शुरू कर दिया, फूड ग्रेन देनी शुरू कर दी है। सो इस वजह से वहाँ की जो थी फूड ग्रेन की, वहाँ की पॉवर्टी कम हो गई, फूड ग्रेन देनी शुरू करिए, फिर मार्केट में बेच बेच के वहाँ की जो थी पॉवर्टी, गरीबी कम हो गई ठीक है। अब ये फोर, ये इतने स्टेट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कैसे हुई था, सिक्स, यहाँ सिक्स स्टेट के बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे कम हुई थी पॉवर्टी। अब ये हो गया, इसके बाद आता है ग्लोबल पॉवर्टी स्केरिनो, ग्लोबल पॉवर्टी स्केरिनो, ये क्या है ग्लोबल पॉवर्टी स्केरिनो? सो अब देखिए, यानी कि यहाँ पे जो हम अभी तक इंडिया की पॉवर्टी के बारे में बात कर रहे थे, पर अब क्या हम पूरी वर्ल्ड की पॉवर्टी के बारे में बात करेंगे कितनी है? सो यहाँ पे वर्ल्ड में 1990 में कितनी परसेंट थी? 36% पॉवर्टी थी पूरे वर्ल्ड में ठीक है। फिर जब 2015 आया तो कितनी हो गई? 10% ही गरीबी बची थी, सिर्फ 10% ही पॉवर्टी बची थी पूरे वर्ल्ड में। ये किसमें है? पूरे वर्ल्ड में ठीक है, वर्ल्ड में। अब सब सहारन, अब सब सहारन अफ्रीका, हम किसकी बात कर रहे हैं? ये तो हमने वर्ल्ड की बात कर दी, अब सब सहारन अफ्रीका, सब सहारन अफ्रीका की बात करते हैं, सब सहारन अफ्रीका, अफ्रीका, सब सहारन अफ्रीका की बात करते हैं। ये तो सब सहारन अफ्रीका में अब क्या है? सो यहाँ पे जो था, यहाँ पे ईयर, यहाँ पे हमारे, यहाँ पे जो है हमारा ईयर 1981 में, 19
यहाँ पे जो ईयर हमारा था 1981 में यहाँ पे कितनी हुई, 1981 ईयर में यहाँ पे कितनी परसेंट थी, यहाँ पे थी 51%, और ईयर 2008 में कितनी हो गई 47%, और जो ईयर हमारा 2015 आया उसमें जो हमारी हुई जिसकी जो सुरक्षा आधार अफ्रीका की 41% हो गई, राइट। 1981 में तो 51%, 2008 में 47% और 2015 में 41%, राइट, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं लैटिन अमेरिका। अब लैटिन अमेरिका की बात करें तो हम लैटिन अमेरिका में यहाँ पे ईयर हमारा ईयर 1981 में कितनी थी यहाँ पे पॉपुलेशन, यहाँ पे 11% थी, 11% पॉवर्टी थी। फिर 2005 ईयर में 2005 में 10% हुई। फिर यहाँ पे 2008 में कितनी हुई 6.4%। अब 2015 जो हमारा ईयर आया 2015 ईयर में हमारी कितनी हो गई यहाँ पे 4%, सिर्फ 4% पॉवर्टी बची, राइट। सो देख रहे हैं कितनी पॉवर्टी कम हुई यहाँ की। अब क्या मैंने बताया था ना आपको कि पॉवर्टी अब कम होती चली जा रही है। अब जो हमारा एक, अब हम एक कंट्री की बात करते हैं, क्या चाइना, उसमें कैसे पॉवर्टी एकदम से कम हो गई 1981 ईयर से 2015 में। आप देखेंगे तो कितनी एकदम बहुत जल्दी उसकी क्या हुई, पॉवर्टी कम हुई, कितनी कम हो गई एकदम से। बहुत ज्यादा पॉवर्टी थी पहले चाइना में, पर एकदम से बहुत कम हो गई। अब आप कहेंगे कितनी कम हो गई, देख लीजिए कितनी कम हो गई, राइट। अब देखिए कितनी कम हुई है। सो 1981 ईयर की बात करें तो 1981 ईयर में कितनी थी यहाँ पे 88.3%। अब हम बात करें ईयर 2008 की, 2008 ईयर में 14.7%, कितने 14.7%, इतनी जल्दी इतनी कम हो गई। फिर जब 2015 आया सो 0.7%, कितने 0.7%, इतनी पॉवर्टी यहाँ पे कम हो गई। सो 88.3 से 0.7 तक इतनी देख रहे हैं कितनी पॉवर्टी कम हुई है यहाँ पे चाइना में, राइट। ये तो हमने पूरे वर्ल्ड की बात कर ली। अब सो अब यहाँ पे देखिए कि ये हो गया। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी के क्या क्या कॉजेज होते हैं, यानी कि देखिए जैसे कि पहले क्या था हमारा, जो हमारा था कि जैसे अंग्रेजों ने हमारे ऊपर ब्रिटिश ने हमारे इंडिया पे हमला कर दिया ना, है ना, अपना गुलाम बना दिया हमारे इंडिया को, राइट। सो उसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ वहाँ पे इतने जितने साल उन्होंने क्या करा था, हमारे इंडिया को गुलाम बनाया था। सो वहाँ पे कोई काम नहीं होता था, यानी कि उससे भी पॉवर्टी ज़्यादा हुई, गरीब होते गए लोग। फिर उसके बाद पॉवर्टी से क्या क्या हुआ ये। अब फिर क्या हुआ कि जैसे मान लिया कि अब जो जो लोग क्या हैं, पहले से ज़्यादा पैसा था रिच थे, वो और ज़्यादा रिच होते गए, पर पॉवर्टी ने क्या करा कि गरीब जो थे वो और ज़्यादा गरीब होते चले गए। ये है कॉजेज पॉवर्टी के। अब जैसे कि इतनी सारी पॉलिसीज हुई हैं, पॉलिसीज गवर्नमेंट ने खोल दी, इतनी सारी पॉलिसीज हैं, इनकी वजह से ही पॉवर्टी ज़्यादा आई है, राइट। पर अब क्या कर रही है गवर्नमेंट, पॉवर्टी को हटा रही है, पॉवर्टी कम होती चली जा रही है, राइट। सो अब आता है एंटी पॉवर्टी मेजर्स क्या होते हैं। सो ये दो तरीके से होता है एंटी पॉवर्टी मेजर। सो एक है हमारा, फर्स्ट है इकोनॉमिकल ग्रोथ, यानी कि इकोनॉमिकल ग्रोथ क्या आया अभी है, और दूसरा है जनरेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्रामर्स। जनरेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्रामर्स क्या है अभी, सो पहले तो इकोनॉमिकल ग्रोथ के बारे में देख लेते हैं। मान लिया कि जैसे कि आपने पहले आपके पास अच्छी एम्प्लॉयमेंट हुई, एम्प्लॉयमेंट से क्या बना, पैसे आ गए आपके पास, एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगारी, है ना, तो एम्प्लॉयमेंट था, एम्प्लॉयमेंट से आपके पास पैसे आए, पैसे से आपने अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दी, राइट।
पहले एम्प्लॉयमेंट से पैसे आ गए, फिर उससे आपने अपने बच्चों को पैसे से अपने बच्चों को एजुकेशन दी अच्छी। सो ये हो गया हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ, राइट। अब एंटी पॉवर्टी में, एंटी पॉवर्टी प्रोग्रामर्स। सो ये क्या है, तो महात्मा गांधी जो थे उन्होंने एक बुक बनाई थी अपनी, महात्मा गांधी ने। सो उसमें से ये क्या था, एंटी पॉवर्टी प्रोग्रामर्स के बारे में, उनके बारे में बात लिखी गई थी, राइट है। सो ये था एंटी पॉवर्टी मेजर। अब ये क्लियर हो गया। सो इसी के साथ साथ ये हमारी वीडियो खत्म होती है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।